दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन की लेडीज सॉक्स। ये अंगूठे वाले मैंने बनाए हुए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखें, इस सॉक्स को सिखाने के लिए मैंने 3 कलर लिए हैं, ये देखें, और 9 नंबर की सिलाई ली है। अब देखें, यहाँ पे डबल वूल कर लेंगे इस तरह से, और फिंदे इस तरह से आपको डाल लेने हैं। इस तरह से हम 31 फिंदे डालेंगे। आप इसमें 27 फिंदे भी डाल सकती हैं, 31 फिंदे भी डाल सकती हैं, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। और अगर फुल साइज की बनाना चाहती हैं, जैसे 7 नंबर, तो आप इसमें 37 फिंदे डालिएगा, और 5 नंबर के लिए 31, 4 नंबर के लिए 27, इस तरह से फिंदे आप डालते जाइएगा। तो मैं 31 फिंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो, 31 फिंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखें, इस तरह से आपको उल्टा उल्टा बना लेना है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा बनाएंगे। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के हम एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए इसको तैयार करेंगे। तो ये सीधी रो है, पूरी इसी तरह से जाएगी। पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब उल्टी तरफ से जो जैसा है वैसा ही बुनना है। सीधा है तो हम सीधा बुनेंगे, ये देखो उल्टा है तो हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखो, पूरी रो में इसी तरीके से। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने बॉर्डर बना लिया है, बॉर्डर ज़्यादा हमें चौड़ा नहीं बनाना है। अब देखें, हम वाइट कलर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। 14 फिंदे बना लिए, एक फिंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे देखें, फ्लावर बनाएंगे, एक अपनी साइड धागा, यहाँ पे 3 अपनी साइड धागा, यहाँ पे अब 5 अपनी साइड धागा, यहाँ पे अब 7 अपनी साइड धागा, यहाँ पे अब 9 फिंदे, एक फिंदे से हमें 9 फिंदे बनाने हैं। स्लिप कर लिया फिंदे को। अब 14 फिंदे लास्ट के हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, अब इधर से देखिएगा, इस तरह से उल्टी साइड से सीधा बुनना है। कहाँ तक? जहाँ तक हमने फ्लावर बनाया है। ये देखिए, अब देखें, स्लिप किया हुआ फिंदा हम स्लिप कर लेंगे। जो हमने फ्लावर वाले फिंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। 9 फिंदे हम सीधे बुन लेते हैं, इसी तरह से बुन लेना है। इधर के देखें, बाकी फिंदे हम 14 उल्टे उल्टे बुनेंगे। पूरी रो इसी तरह से बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखें, रेड कलर, रेड कलर से हम सभी फिंदे सीधे सीधे बुन जाएंगे, ना कहीं उतारना है ना कहीं फिंदे हमें बढ़ाने हैं। रेड कलर से पूरी रो इसी तरीके से, तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको फिर से देखें। इस तरह से सारी रो उल्टी उल्टी, पूरी रो इसी तरह से उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे।
देखो हमें ग्रीन कलर लगा लिया है, ये तीन कलर में बनाएंगे। अब यहाँ से देखें 14 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये देखें पता चल रहे हैं 14 फंदे कहाँ तक हैं, ये देखो। अब जो उतरा हुआ फंदा है तो हम उतार लेंगे। अब देखें एक फंदे को हमने इस तरह से बुन लिया अपनी साइड धागा, फिर से एक बढ़ाया, फिर से एक बढ़ाया, जो 9 फंदे हैं उन पे हम 7 पे फंदे बढ़ा लेंगे, सॉरी 8 पे। अब ये उतरा हुआ फंदा है तो उतार लेंगे। अब बाकी फंदे जो बचे हुए 14 फंदे हैं वो सीधे, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखो 14 फंदे इस तरह से उल्टी साइड से हम सीधे बुनेंगे। ये डिजाइन वाले फंदे हैं। ये देखो 14 फंदे बिन लिए, स्लिप किया हुआ फंदा हम स्लिप कर लेंगे अपनी साइड धागे को, और जो फूल वाले फंदे हैं वो ने हम सीधा बुनेंगे, इनको उल्टा नहीं बुनना है। जब हम डिजाइन डालते हैं तो इनको उल्टा नहीं बुनेंगे, इनको हम सीधा ही बुनेंगे। ये देखें सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए फूल वाले, स्लिप किया हुआ फंदा हम स्लिप कर लेंगे बैक साइड, अब उल्टी साइड से हम सीधा बुनेंगे। ये देखें पूरी रो इसी तरह से बुन लेती हूं। अब देखें दो सलाई हम रेड की सादा सादा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डिजाइन स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिजाइन तीन बार पड़ेगी, अब की बार डिजाइन हम वाइट से डालेंगे। तो दो सलाई हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे और उल्टी तरफ से हम फिर सीधे बुन लेंगे इस तरह से। तो बुन लेती हूँ, फिर रेड वाली पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखें वाइट कलर से, अब भी हम 14 फंदे वाइट से बुनेंगे। आप ध्यान से देखिएगा डिजाइन को, ये देखें उतरा हुआ फंदा हम उतार लेंगे। अब देखें ध्यान से, एक दो, दो के बाद अपनी साइड धागा एक फंदे को बढ़ाएंगे, एक दो, फिर अपनी साइड धागा। अब दो दो फंदे हम बुनते जाएंगे, एक एक फंदे को बढ़ाते जाएंगे। ये देखें ये देखें इस तरह से इस वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, बाकी फंदे इसी तरह से बुन लेंगे। पूरी रो इसी तरह से निकाल लेंगे। अब ये देखें हम सीधे फंदे बुन लेंगे, साइड साइड के उल्टे, और जो डिजाइन के हैं वो सीधे फंदे। तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का बताऊं। पूरी डिजाइन हमने डाल चुकी हूँ। अब देखें फिर से हमें यही वाली डिजाइन रिपीट करना है। तो बाइट लगा चुकी हूँ, अब ये ग्रीन लगा लिया, ये देखें। तो ग्रीन के फंदे बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये फंदे को उतार लिया। अब यहाँ से देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये देखें 10। अब इधर देखें
एक दो तीन चार पाँच, तो 10 हो गए यहाँ पे। एक एक फिंदे को और बिन लेती हूँ, 11। अब देखें एक फिंदे को यहाँ से स्लिप, देख 11 फिंदे हमने यहाँ से, आप देखिएगा यहाँ पे ये लाइन मेरी यहाँ पे चल रही थी, तो 11 फिंदे हमने यहाँ पे बिन लिए, इस वाले फिंदे को उतार लिया। अब देखें डिजाइन ये बीच में रहनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे डली हुई है उसी तरह से बीचम बीच में, इसी तरह से डिजाइन देखें। एक फिंदे से हम 9 फिंदे बनाएंगे, 5 7 9, इस वाले फिंदे को स्लिप कर लेंगे, बाकी फिंदे इसी तरह से बुन लेंगे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब फिर से देखें, इधर से हम जितने फिंदे हुए हैं उतने उल्टे फूल तक, जहाँ पे हमने स्लिप किया हुआ फिंदा है स्लिप कर लेंगे, बाकी फिंदे जो फूल वाले 9 फिंदे हैं उनको मैं सीधा बुनूंगी। इधर से मैं सीधा इनको बुन रही हूँ, एक बार आप देख लें ताकि आप अच्छे से बना सकें। ये देखें स्लिप किया हुआ फिंदा मैंने स्लिप कर लिया, इसको इधर करेंगे। अब ये फिंदे जो हैं बढ़ाए हुए इनको मैं इस तरह से सीधा सीधा बिनूंगी, इस तरह से, ये देखें इसी तरह से आपको बना लेना है। ये देखें इस तरह से इसकी शेप बनती जाएगी और ये बनता जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप 3 फूल बना सकती हैं, जैसे एक फूल हमने ये बना लिया, दूसरा फूल हमने स्टार्ट कर लिया है, और 2 फूल भी बना सकती हैं। 2 फूल पे हमें एंड भी कर देना है, क्योंकि अगर 3 बनाएंगे तो ये 7 नंबर की बनेगी। अगर 2 फूल बनाएंगे, यहाँ पे एक बना लिया यहाँ पे एक बनाएंगे तो 2 फूल बन जाएंगे, तो ये 5 नंबर की बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने बना ली है। अब देखो अगर आपको अंगूठे वाली बनानी है तो यहाँ से हाफ हाफ फिंदे करेंगे, अगर आपको अंगूठे वाली नहीं बनानी है तो पूरी इसी तरह से सादा सादा बना लेंगे। तो आप हाफ हाफ, मैं अंगूठे वाली बना रही हूँ, तो आपको देखें किस तरह से हाफ फिंदे हम करेंगे। यहाँ से हाफ फिंदे कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने हाफ फिंदे कर लिए हैं, इधर फिंदे हाफ कर लिए हैं, इधर हमने हाफ कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पे ये सेंटर का फिंदा है, तो एक फिंदा मेरे पास बचेगा, तो इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इतना बिन लेती हूँ। फिर एक फिंदे को हम कम करते हुए इसको बना लेंगे इस तरह से। यहीं से मैंने सिलाई को पलट लिया, हाफ फिंदे अब हम बना लेंगे, और इसमें हम 12 सिलाई बनाएंगे, 6 सलाई इधर से 6 सलाई उधर से। अगर आपका अंगूठा थोड़ा सा बड़ा है, उंगली बड़ी है, तो 16 सलाई निकाल लें, 8 इधर से और 8 उधर से। तो मैं 12 सलाई निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और दोनों तरफ इसी तरह से बनेगा, बीच में हमने हाफ हाफ फिंदे कर लिए, हाफ इधर बनाएंगे हाफ इधर बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा। मैंने बना ली है, इसको बना लिया है। अब सिलना किस तरह से है वो आप देखें। 6 में इस तरह से हम वूल को डाल लेंगे, और ये देखें उल्टा करते हुए इसको इस तरह से सिल लेना है। अब इधर से भी देखें, ये देखा, और यहाँ पे आपको पक्का कर लेना है। ये देखें
अंगूठे की शेप बनके तैयार हो गई है। अब देखें यहाँ से बूल में हम बूल को सुई में डालेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा देंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ से इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेती हूँ। फिर आपको सिल ली है, इसको कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ही सुंदर ये लग रही है, ये देखें बैक साइड इस तरह से इसकी फिटिंग आएगी, फिटिंग बहुत सुंदर आती है इसकी।